हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 21 अप्रैल और कल रात हम डिनर करके आए थे, अराउंड 10:30 हो गए थे, 11 अराउंड। उसके बाद फिर दे ड्रॉप डस, फिर हम सो गए थे। अब जा रहे हैं काम करने के लिए। अभी अराउंड हो गए हैं सुबह के 10:30, सो वी आर अबाउट टू लीव। और ये रहा हमारा रूम जो हमने गंदा कर दिया था, और अभी थोड़ा बहुत सामान को अरेंज कर दिया है। टेबल यहाँ पे, ये वर्क स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप वगैरह किसी भी चीज़ पे अगर काम है करना तो सही। एंड दिस इज आवर बेड्स। डिसेंट सा रूम है, कोजी सा रूम है, ठीक है। एंड दिस इज वॉशरूम, ठीक ठाक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड। ब्लूम होटल्स कैलंगूट। अभी 24 तक हम हैं यहाँ पे, 24 के बाद माइट बी विल शिफ्ट समवेयर एल्स, क्योंकि अब 4 दिन यहाँ रहने के बाद विल गेट बोर्ड, चेंज प्लान करना। चलते हैं अब आगे, देखते हैं आज का क्या रहता है, क्या बजता है यहाँ पे, 3, 4, 5 जो भी है। उसके बाद शाम को ओवर टाइम रहा तो फिर कहीं जाएंगे, वरना बैक चलता है। अब हम निकल चुके हैं अपने क्लाइंट के पास और अभी रास्ते में हैं, जा रहे हैं। बाहर का व्यू, अभी टेम्परेचर भी लगभग 30 के अराउंड होगा और पूरा सनशाइन है। टेम्परेचर अभी दोपहर में भी और बढ़ जाए, फिलहाल 30 डिग्री के अराउंड है। कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने क्लाइंट के पास फॉर ऑडिट, जो जिस काम के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। बाकी जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे। हम स्टे कर रहे थे कैलंगूट में, और जो अभी हम जा रहे हैं वो है मुरगोरी में, और इसके बीच का गैप है अराउंड 10 किलोमीटर का। एंड अभी ऑफिस टाइम है एज पर द नॉर्मल वर्ल्ड, बट यहाँ देखिए ये है गोवा, यहाँ ऑफिस टाइम में भी ऐसा ही रहता है। रोड्स एकदम ओपन, खुले खुले, नो रश, ड्राइविंग भी यहाँ पे लोग काफ़ी डिसेंटली करते हैं, तो ज़्यादा आपको दिक्कत मतलब होगा नहीं। बाकी आराम से लेते हुए ये 14 मिनट का टाइम अभी हमें और लगने वाला है पहुँचने में। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द गोवा इज, एंड द मेन पार्ट इज दीज ट्रीज, ये जो नारियल के हैं पेड़। शूटिंग वगैरह भी बहुत सारी जो होती है वो ऐसे ही रोड्स के बीच में है। एक तो है कोई यहाँ पे एक सीनिक पॉइंट जो मुझे अभी नहीं आ रहा याद, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग वहाँ भी गए थे, सो इस बार देखते हैं कब जा पाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे शूटिंग्स, जैसे कि वो जो थी फिल्म अभी एक फिल्म थी अभी, क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ रॉय कपूर की जो है वो हुई थी वहाँ पे शूट, वो फिल्म ही कम्प्लीटली यहीं पे हुई थी शूट गोवा में। एंड मज़ा आता है यार यहाँ पे, ये देखिए रोड्स। आराम से 40-50 की स्पीड में चलने का, क्योंकि कोई जल्दबाजी तो है नहीं, रश तो है नहीं हमें, तो आराम से काम करने का। हाँ, उस फिल्म का नाम है मलंग, वो पूरी की पूरी हुई थी शूट गोवा में। एंड अभी ये थोड़ा सा हम जा रहे हैं एक छोटे से टाउन से, तो ये देखिए साइड साइड में छोटे छोटे हैं घर, दैट लुक सो ब्यूटीफुल। गर्मी नहीं है अभी ज़्यादा। एंड वी आर इन नो रश, पेड़ हरियाली इतनी ज्यादा है, दिल्ली में तो हम इसी को करते हैं मिस। द्वारका में कुछ हद तक है भी, बट बाकी कहीं है ही नहीं।
अभी हो रहा है शाम के 6:30 और हम और रमेश सर दोनों मिलके हमने बहुत काम किया आज, सीरियस में काम किया हमने, वहाँ शूट नहीं कर सकते थे ऑफकोर्स। तो अभी हम जा रहे हैं घर, पहले ये प्लान था कि कहीं बाहर जाएंगे थोड़ा बीच वगैरह पे, बट वी आर एग्जॉस्टेड एक्चुअली। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल जो कि यहाँ से है अराउंड 15 मिनट की दूरी पे, अराउंड 10 किलोमीटर्स। तो अभी जाके चेंज वगैरह करके उसके बाद मे बी डिनर के टाइम पे बीच वगैरह है यहाँ पे पास में, वहीं पे जाएंगे। एंड अभी शाम में भी रोड देखिए, ट्रैफिक यहाँ एकदम कैजुअल, यहाँ मोस्टली आपको रोड पे दिखेंगे स्कूटी, कार से ज़्यादा यहाँ स्कूटी है क्योंकि लोग यहाँ पे 300-400 लोग यहाँ पे 300-400 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी वगैरह लेके पूरी मौज करते हैं। तो हम भी अभी बस पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं कहीं शाम को अगर गए लोकल पास वगैरह में तो आपको दिखाते हैं, वरना फिर अब काम तो पहले होगा ना करना, उसके बाद ही टाइम मिल पाएगा तो फिर जाएंगे। दोस्त वगैरह सबको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ हूँ गोवा में हूँ, तो पहले ही मैं तो भाई काम करने के लिए हूँ, नो वन इज फीलिंग, बताओ हर एक इंसान यहाँ पे काम भी नहीं कर सकता कोई क्या है तो हम सीरियसली काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, और फिर आगे देख रहे हैं अभी जैसे जैसे टाइम मिल पाता है। 7 दिन के लिए अभी हम हैं, बहुत टाइम है, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम और दे के कोशिश कर रहे हैं कि काम जल्दी हो जाए ख़त्म, क्योंकि काम ख़त्म होगा तो हम अपना टाइम लेके फिर भी पाएंगे, फिर मे बी हम महाबलेश्वर पुणे पास में है, वी कैन प्लान, बट ओनली आफ्टर द वर्क इज डन, है कि नहीं? डिनर करने के लिए आए थे अभी हम लोग, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ जो रोड के अभी आए हैं बाहर तो मुझे बैंकॉक की आ गई फील, बैंकॉक में जो पढ़ाया है उसका खास तौर पे। अब ये क्यों ये आपको समझ में आएगा अगर आप कभी गए हो। सो कलंगूट इज जस्ट सिमिलर टू दैट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, बाकी कोई नहीं, हम तो खैर रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहे हैं अभी, वो ढूंढ के खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। मार्केट काफ़ी हलचल वाली है देख रहे हैं यहाँ पे आप। अभी खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा वॉक करने गए थे अराउंड 1.5-2 किलोमीटर का, और इतना यहाँ ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से वॉक करके 15-20 मिनट में ही पसीने पसीने हो जाए, गर्मी नहीं है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पूरी स्वेटिंग। हाँ तो आज का दिन इसी के साथ ख़त्म होता है, आज हम कहीं घूमने नहीं जा पाए क्योंकि काम में थे, कल देखते हैं, कल भी हम कुछ प्रॉब्लम जहाँ तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद मे बी वी कैन गेट सम टाइम। तो आज के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।